अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नंगे पैर 200 से 300 किलोमीटर यात्रा तय कर ला रहे हैं माता की जोत। इस कलयुग में भक्ति की शक्ति देखना हो तो माता की जोत लेकर कड़कड़ाती बिजली व बारिश में सेगांव मुख्यालय से करीब 15 दिनों से चल रहा है पावागढ़ पैदल आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला। वो पावागढ़ से माता रानी की जोत लेकर आ रहे श्रद्धालु माता जी मंदिर में दर्शन कर रात्रि विश्राम करते हैं और फिर अल सुबह माता के दरबार अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए भक्तों का पैदल नंगे पैर काफिला चल पड़ता है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु माता की जोत लेकर आ रहे हैं, जिसमें टिमरनी, बमनाला, भिकनगांव व खरगोन के श्रद्धालु शामिल हैं। बमनाला के राजकुमार मौर्य ने बताया कि यह यात्रा 15 वर्षों से हमारे ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा लगातार निकाली जा रही है। यह यात्रा का उद्देश्य देश व प्रदेश व गाँव की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए यह यात्रा निकालते हैं एवं माता रानी के मंदिर से जोत जलाकर अपने गाँव में माता रानी के बने पांडालों में जोत का पूजन अर्चन कर स्थापना करते हैं। हमारे द्वारा 100 से 300 किलोमीटर की यात्रा माता रानी की कृपा से नंगे पैर पैदल ही तय करते हैं। कोई परेशानी नहीं होती, बस वही धूप छांव बारिश में झूमते हुए माता रानी का नाम लेते हुए चला करते हैं। कुछ पावागढ़ से जोत लेकर रवाना हुए जत्थे रात्रि में वाहन व मोबाइल के लाइट में पैदल यात्रा तय करते नजर आए। इन दिनों प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फुलवाई माताजी मंदिर में पावागढ़ पैदल आने जाने वाले यात्रियों का विश्राम स्थान व दर्शन के लिए तांता लगा हुआ रहता है। डिजियाना न्यूज़ रिपोर्ट सेवाओं।